बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की बेकार खबरों के साथ मैं हूँ कामरान खान। आज जिस हमने शो में जिसको दावत दी है वो शख्स दुनिया में सुनामी ला रहा है। हम सुनामी से बचने की दुआएं मांग रहे हैं और दुनिया में सुनामी लाने की दुआएं कर रहा है वो। हम दावत दे रहे हैं इस वक्त इमरान खान को, जिस वक्त रैंप वॉक करते हुए आएंगे। इमरान खान साहब, वेलकम इमरान खान साहब। इमरान खान साहब आप शो में आएंगे तो दरअसल में भूल गया तो रैंप वॉक की खातर जी। इमरान साहब क्या हाल है आपके? जी इमरान साहब आप किस किस्म का सुनामी लाना चाहते हैं दुनिया में? देखिए पहले तो जी सुनामी कैसे आएगी, सुनामी लाएगी तरीके देखिए। हमें भी पता है अल्लाह है कि आप बार बार हम लोगों को क्यों दिखाते रहते हैं। आप सही से बात कर रहे हैं, आपको कोई इमरजेंसी है तो आप इधर जा सकते हैं। आप मेरी गुरबत का इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं। शर्ट देख रहे हो जी, वो नजर आ रहा है। ये कोट है, कहाँ से मांगे? ये नवाज शरीफ जहाँ पे कपड़े धुलाते हैं धोने के लिए देता है, वहाँ भी सलवार खरीद के लेकर आए, चोरी करके लाए हो जी। बस लेकिन आपने कहा टैक्स पूरी दुनिया करप्शन से भरी है। मैं आज एक क्वेश्चन वही कर दूँ कि आज जैसे मैं नवाज शरीफ के कपड़े पहन के घूम रहा हूँ, कल नवाज शरीफ मेरे कपड़े पहन के घूम रहा हूँ। मैंने सुना आप जो ये पॉकेट खुले रखते हैं ये सलवारें, इसका क्या मतलब है? जे लोगों के पास में जाता हूँ चक्का ले रहे तो चुपके असल में ये मेरी एक उसके पॉकेट। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि आप साथी जाहिर करने के बोलते हैं तो आपने किस तरह अपना साथी जाहिर किया? देखो मेरी पॉकेट में कुछ भी नहीं है इस तरह शायद। देखिए बहुत ये भी एक तरीके की सियासत है। सियासत में आप ये नहीं देखते कि क्या कहीं सलवार के अंदर पॉकेट लगा के पॉकेट खोल लो, ये एक तरह की सियासत है। ये भी ये सियासत टाइप ऑफ सियासत टाइप ऑफ पॉलिटिक्स मुझे समझ नहीं आता। जब मैं शौक था देखिए, जब ऊपर से मामला सही हो गया ना तो सारे मामले नीचे से सही होते हैं। मैं आज बता दूँ आपको कि मेरे ऊपर जाहिर क्या है कि जाहिर तो नजर आ रहा है आपको, चोरी कर करके चीजें लाए तो ये बात है। बात नहीं क्या है, सारी यही बात है। बात ये है देखिए, जब से मैंने अब मुझे बोलने दीजिएगा, मैंने आपकी बात खामोशी शौकत खान हम जब से मैं 10 करोड़ रुपया मैंने लगा दिया टैक्स पे करते हैं, मैं खुद वहां जाता हूँ लाइन में खड़ा होता हूँ। कामरान यकीन करें कामरान, मैं यकीन नहीं कर लोगों के पास। देखिए लोग कहते हैं कि लोग इंसान नुमा बंदर देखने के लिए आते हैं, इसीलिए सब कुछ आपसे तनकीदे करने वाले हैं। लोग कहते हैं कि वो ऐसी चीज देख रहे हैं जो अजूबी है, आपको आठवा अजूबा कहते हैं। इंसान नुमा बंदर है आजम की अगर तारीख पढ़ी जाए वो बशीर कामरान अलामत वाले क्या किया। मैं जब बचपन में उनकी शायद मुझे समझ नहीं आती थी उनकी शायद ईमान आया दिमाग शायद नहीं समझी मैंने उनकी। फिर जाकर यकीन करे कामरान एक ब्रॉड माइंड से सोचा। हम किसी इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि अलामा इकबाल की शादी में बहुत सारे लोग नहीं आए थे, लेकिन इनकी शादी के जब ये उधर गए बचपन में तो सिर्फ इस अजूबे को देखने बहुत सारे लोग आए। पता नहीं कामरान मुझे क्यों हंसी आती है। और आपने देखा कि इमरान खान की गुफ्तगु सुनी आपने, इंतहाई खराब गुफ्तगु जिसका कोई फायदा भी नहीं हुआ इस गुफ्तगु का। अब हमारे साथ मौजूद है फौजिया वहाब साहब जो दूसरी रैंप वॉक करते रहेंगे जी। जी फौजिया वहाब साहब क्या हाल है आपके? जी हमारा आपसे एक सवाल है कि आप लोग जो इतना, एक तो आप पहले अपनी आवाज सही करवाए, आपकी आवाज में कोई गड़बड़ लगती है, चीटी वीटी कर गई थी बचपन में। आप मुझे ऐसा लगता है कोई बीन वीन बजा रही हैं, फिर लोग भी आपको ऐसे ही लगते हैं, लोग भी आए यही कहते हैं आपके पास। जहाँ तक बात ठहरी वीन आमरी की, उसमें जो हरकतें की अल्लाह अकबर, मैं भी कभी सोचती थी इमरान कामरान आप उससे नीना के बारे में कोई सवाल नहीं कीजिएगा। मैं नहीं कर रहा आपसे सवाल, लोग कहते हैं कि इनका मुंह टूटा हुआ है, जब भी बार बार यूं करके मुंह पे हाथ रख के बोलती है। और अल्लाह का शुक्र है मैं बुरी साबित हूँ, ये जो कह रहे हैं लोगों का
मेरी पैदाइश लालू खेत की है तो थोड़ा असर तो आएगा ही वहाँ का। लोग आपको कहते हैं कि आप फाइनल चेहरा के साथ जा रहे हैं, इसीलिए आप करूँगा सर। बॉबी मेरी दोस्त रह चुकी है बचपन में, वो पहले जब मर्द थी तो मेरे साथ पढ़ती थी, वो अलग हो गई, मैं अलग हो गई, मुझे बहुत अफसोस रहेगा। ये फौजियाबाद साहब जिनकी आप गुफ्तगु सुन रहे हैं, इससे क्या गुफ्तगु करने चाह रहे हो, किस किस्म की गुफ्तगु कर रही है? हम अपने अगले मेहमान को बुलाते हैं दस्तक के लिए।